हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आज जो है बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है पार्ट थर्ड जो है लेके आए हैं। इससे पहले जो है हम वन और टू डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये जो है आप अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है आज का टॉपिक? तो जो प्रीवियस ईयर का जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, उसी का जो है ये प्रश्न है फ्रेंड्स आया हुआ। तो पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? पहला प्रश्न है कि उड़ीसा का जो है यहाँ खंडहर है ना, वो जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किस नदी पे स्थित है? तो ये जो है समलमपुर में स्थित है, समलमपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। यह जलप्रपात जो है समलमपुर ज़िले में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ये जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इस तरह का जो है प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में जो है यानी कि जनरल अवेयरनेस समान अध्ययन में पूछा गया, और समान विज्ञान ये दोनों मिलाकर दिया गया फ्रेंड्स, यानी कि GK और GS दोनों का जो है इस प्रकार के जो है प्रश्न जो है आते हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का उद्गम हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है मोहिनीअट्टम नृत्य का जो है ये उद्गम कहाँ से हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो हुआ था ये केरल से हुआ था। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी गायन शैली का सबसे जो है प्राचीन क्या है? तो हिंदुस्तानी गायन शैली का सबसे प्राचीन जो है वो ध्रुपद है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है इसका जो है हम हर फैक्ट लेके चलेंगे फ्रेंड्स, इसके फैक्ट जान लेते हैं। अब जो है ध्रुपद जो है भारत का जो है सबसे पुराना गायन शैली है, और इसका विकास हुआ था, उद्भव हुआ था उत्तर भारत में, ठीक है। उत्तर भारत का जो है ना 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो है इसका जो है निर्माण हुआ था, और ये जो है ग्वालियर के राजा जो है ना मानसी और मुगल सम्राट अकबर के समय हुआ था। ग्वालियर के राजा थे मानसी और अकबर, इसी के समय जो है ध्रुपद का जो है आरंभ हुआ था 16वीं और 15वीं शताब्दी में, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य में स्थित मानकी मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी बातें याद रखना है, प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं कि जो है उड़ीसा राज्य में जो है स्थित मानिक मोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। अब ऐतिहासिक भित्ति चित्रों मतलब होता है दीवार पर जो चित्र होते हैं उसके लिए जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किसके मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? ये प्रश्न भी जो है हमेशा पूछे जाते हैं और कई बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये जो है किसके शासनकाल में था, किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो ये था शाहजहां। अब जो है यहाँ जो है मुगल शाहजहां जो है 1638 में जो है अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे, है ना। और जो है यह जो है ना यमुना नदी के दाहिने तट पर जो है एक शहर पड़ता है शाहजहांबाद, यही जो है नींव डाली थी। तो आपको मुख्य फैक्ट जो है याद रखना है कि 1638 ईस्वी में जो है
वो मुगल साम्राज्य राजधानी को आगरा राजधानी को जो है आगरा से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया था 1638 में शाहजहां ने। नेक्स्ट है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, किसने किया था ये भी बात बताना है, तो ये जो है क्लाइव ने किया था, क्लाइव ने किया था। ठीक है, अब जो है पराजित, यहाँ पर आपको बता दें कि एक युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है, 23 जून आपको याद रखना है 1757 को हुआ था, ठीक है। और एक अंग्रेज के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, उसी के बीच में हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757 को ईस्वी को जो है सिराजुद्दौला इसमें जो है हार गया था, तो किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, क्लाइव के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है पराजित हो गया था। वही बोल रहा है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को पराजित किया था किसने, तो जो है रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो है तत्व कौन था, यहाँ पे देखना है कि 1857 में जो है, तो आपको बताना है कौन थे, तो ये हिंदू 1857 ईस्वी के विद्रोह की सबसे शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो ये जो है पलिहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण आपूर्ति की जाती है किसके द्वारा, तो ये जो है सिक्रेटरी प्रेस नासिक के द्वारा जो है करेंसी नोटों का मुद्रण किया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे नासिक कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया और 500 और 1000 की बैंक जो है यहाँ पे नोट छापती है, ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध जो है नहीं होना। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये जो है इसमें जो है सालों भर जो है जल का प्रवाह होता है, इसमें जल का प्रवाह जो है बारामासी होता है, वही बात हुई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, तो ये जो है चोरा चोरी जब कांड हुआ था इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, वही समाप्त कर दिया गया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ये जो है किसने दिया था आपको, जनरल ओ डायर। नेक्स्ट है पृथ्वी की सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है क्योंकि, किस लिए पड़ता है, तो जो है सूर्य के पृथ्वी के चंद्रमा को जो है परिक्रमण पूर्णतः गोलाकार नहीं है, इसलिए पृथ्वी पर जो है भौगोलिक क्षेत्र में पूर्ण जो है पूर्णतः सूर्य ग्रहण पड़ता है। भौगोलिक क्षेत्र में क्यों पड़ता है, क्योंकि सूर्य के पृथ्वी के जो है चंद्रमा का जो है परिक्रमण पूर्णतः जो है गोलाकार नहीं होने के कारण। नेक्स्ट है कि भारत संप्रभु गणतंत्रात्मक राज्य किस दिन बना था, ये तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को बना था।
नेक्स्ट है कि अकबर ने युवा स्थान उसका संरक्षक कौन था, अकबर का जो है युवा संरक्षक कौन था, यहाँ पे मिस हो गया है ना, तो आपको बताना है कि कौन था। तो ये जो है बैरम खां थे, युवा संरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड। अब आपको इसके बारे में बता दें कि अकबर के, अब जो बात करते हैं तो फैक्ट जान लेते हैं कि अकबर का जन्म जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अब जो है इसका जो है माता का नाम जो है हमीदा बानू था, हमीदा बानू बेगम, ये भी बातें याद रखना है। और नेक्स्ट है कि सूर्य के परित अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है, किस आकार का होता है, तो ये जो है दीर्घ वृत्तीय आकार का होता है। एक ही तत्वों के समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं, बता सकते हैं समस्थानी कहते हैं। एक ही तत्व के समान परमाणु परंतु अनेक, मतलब अनेक प्रकार के जो है परमाणु भार वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, समस्थानी कहलाते हैं। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक के जो है ये मीथेन होता है। ओके, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। अब आपको बता दें ये जो है अक्सर एग्ज़ाम में इसका फैक्ट जान लेते हैं दो चार गो, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस समय जो है महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव दिया था, ये जो है पहल की थी भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसी बात पे जान लेते हैं कि कांग्रेस समिति का जो है गठन हुआ था 8 अगस्त 1900, कांग्रेस कार्य समिति का जो है 8 अगस्त 1942 को ये जो है स्वीकार किया था, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस समिति जो है स्वीकार किया गया, ये जो आंदोलन जो है कांग्रेस समिति द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और महात्मा गांधी जो है इस प्रस्ताव को पारित किया था, तो ये बातें याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो अब याद रखना है दो चीज़, ये जो है कांग्रेस द्वारा पारित हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने प्रस्ताव पारित किया था 8 अगस्त 1942 को, है ना, 1942 को, ये एक फैक्ट हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 को, यानी पूरे बात जान लेते हैं तो 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। केवल 1942 याद नहीं रखना है, इसका डेट भी याद रखना है 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ था, तो यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कब हुआ था, तो ये भी बातें याद रखना है, कहाँ हुआ था, तो ये जो है फिलिस्तान में हुआ था, फिलिस्तीन में। नेक्स्ट है अस्फेरोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको बताना है, तो ये जो है रक्तचाप के लिए किया जाता है। अस्फेरोमीटर चिकित्सीय उपकरण जो है किसके लिए किया जाता है, तो ये रक्तचाप ब्लड प्रेशर के लिए इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्लड प्रेशर को जो है देखने के लिए। नेक्स्ट है एक होता है आपको बता दें अस्फेरोमीटर, एक होता है अस्फेग्नोमीटर यानी कि भूकंपीय तरंग को मापने के लिए, तो ये दो चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है प्याज परिवर्तित होता है, तो प्याज परिवर्तित होता है आपको बताना है, ये तने का परिवर्तित रूप है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आलू भी बता देते हैं, तो आलू भी तने का रूप है। नेक्स्ट है कि शरीर का वजन होता है, तो ये जो है ध्रुव पर जो है पोल पर जो है शरीर का वेट जो है अधिक होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं,
छोटी अंश से। नेक्स्ट है इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष जो है परिवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब आपको बता दें कि ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इंद्रधनुष के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। अब जो है परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा जो है के विक्षेपण के माध्यम से एक इंद्रधनुष का बनने का एक अच्छा उदाहरण है। परावर्तन प्रकाश का पूर्ण परावर्तन यहाँ भी ऑप्शन सही है और विक्षेपण भी रहेगा वो भी सही है। तो ये सब जो है इंद्रधनुष का बनने का जो है कारण होता है। अब जो है आपको बता दें कि इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी इंद्रधनुष यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष। ये बातें याद रखना है यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब जो है जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा जो है धुंधला दिखाई देता है। ये भी फैक्ट याद रखना है। दो प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन जो है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा द्वितीयक इंद्रधनुष जो है क्या होता है धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एनेमोमीटर यानी कि ये। अब आपको बता दें कि एनेमोमीटर से जो है हवा का जो है शक्ति और गति भी मापा जाता है। अब रेन गेज की यही बात कर लेते हैं, तो ये जो है वर्षा का मापन होता है। रेन गेज से जो है वर्षा मापते हैं। हाइग्रोमीटर की बात कर लेते हैं, तो ये जो है आपेक्षिक आर्द्रता इससे मापते हैं। अगर नेफोस्कोप की बात कर लेते हैं, तो नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है, बादलों की दिशा और गति, बादलों की दिशा और गति को मापते हैं नेफोस्कोप से। तो ये बातें याद रखना है, बादलों की दिशा जो है नेफोस्कोप से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं क्या, तो जो है आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, रेन गेज से वर्षा मापते हैं, और वर्षा की मात्रा एनेमोमीटर से जो है हवा की शक्ति और गति मापते हैं, और बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं किससे, एनेमोमीटर से। गति मापते हैं एनेमोमीटर से, हवा मापते हैं एनेमोमीटर से। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट का आरंभ किया था, तो किसने किया था, तो ये भी बातें याद रखना है। तो डाक टिकट का जो है आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये ब्रिटिश शासक जो है गवर्नर जनरल जो है सॉरी ये जो डाक टिकट का आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है अब ये जो है 30 क्वेश्चन था फ्रेंड्स, सॉरी। अब इसी तरह का जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया एमसीक्यू प्रश्न है फ्रेंड्स, आप जो है इसको पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से फ्रेंड्स, ताकि जो है एग्ज़ाम में इससे जो है एक भी प्रश्न ना छूट पाए। ये प्रीवियस ईयर का जो है आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसी तरह नेक्स्ट जो है हम देते रहेंगे। और ये पार्ट 3 था। इसके अलावा अब आपको कल बताए थे कि पार्ट 16 तक हमें मिला है, इसलिए जो है आपको रेगुलर ये मिलता रहेगा। तो इसी तरह का जो है ना, और जो रिक्रूटमेंट से अपडेट जो निकलता है बिहार से, वो जो आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट देते हैं फ्रेंड्स। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि जल्द ही जो है चाहे एजुकेशन हो या रिक्रूटमेंट हो, तुरंत ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के साथ फ्रेंड्स, और नए एक पार्ट 4 के है ना पार्ट। तो ये जो है हमारे चैनल पर ऐसे ही बिहार से जितने भी रिक्वायरमेंट निकलता है आप लोग से शेयर कर देता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।